हेलो दोस्तों, तो आज फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेराडो डॉट इन पे आप लोगों का। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कंपनी प्रोफाइल और ब्रोशर्स के बारे में, कि किस टाइप से आप जो है कैनवा के थ्रू कंपनी प्रोफाइल और ब्रोशर अपनी कंपनी के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग ये सीखेंगे कम्प्लीटली, और मैं एक कंपनी प्रोफाइल बनाऊँगा भी आपके सामने कम्प्लीटली एक स्क्रेच से। तो उसके बाद में मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा लास्ट में, अगर आप डायरेक्टली उस टाइप का कंपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो वन क्लिक के अंदर वो सेम टेम्पलेट यूज करके आप भी अपने लिए कंपनी प्रोफाइल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना कैनवा अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। कैनवा अकाउंट मैंने ओपन कर लिया है। अब इस कंपनी प्रोफाइल को बनाने के लिए मैं जो भी एलिमेंट्स यूज करूँगा, मैं फ्री वाले एलिमेंट्स यूज करूँगा, प्रीमियम वाले एलिमेंट्स यूज नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पर जो है अपनी ईमेल आईडी वो वाली लॉगिन कर लेता हूँ जिसमें मेरे पास कैनवा का प्रो अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अकाउंट ओपन किया, देन मैं यहाँ पर अपना वो अकाउंट ओपन कर रहा हूँ जिस पर अभी कैनवा प्रो एक्टिवेट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए ये ओपन कर लिया है। अब हम लोग जो है क्रिएट ए डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ए डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च करना है A4 डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही A4 डॉक्यूमेंट सर्च करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का जो है पूरा एक ब्लैंक पेज जो है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो अब कंपनी प्रोफाइल हम लोग स्क्रैच से बनाने जा रहे हैं तो हम लोग टेम्पलेट भी यूज़ नहीं करेंगे कोई भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है अपने लिए लोगो लेंगे, तो लोगो मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ वेबसाइट से। मैंने लोगो डाउनलोड कर लिया है। अब इस लोगो को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर। तो ये देखिए ये लोगो जो है मेरा अपलोड हो चुका है यहाँ पर। अब इसके बाद में यहाँ पर जो है हम लोग एक बैकग्राउंड लगाएंगे। तो बैकग्राउंड कैसा होगा, इमेज सर्च कर लीजिए, जो भी आपके पास इमेज वगैरह हो जिस भी टाइप की वो इमेज आप सेव कर लीजिए। पिक्चर क्वालिटी जो है वो आप HD में ले लीजिएगा, तो आपके लिए क्या है काफ़ी इजी रहेगा यहाँ पे ऐड करना। पिक्चर मैंने ऐड कर दिया, ये यहाँ पर मैंने जो है बैकग्राउंड के अंदर पूरा ऐड कर दिया है ये। अब इसको मैं सेंड टू बैकवर्ड कर दूंगा तो ये बैक चला गया है, लोगो हमारा ऊपर आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर एक शेप लेंगे और शेप जो है उसको यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। और यहाँ पे जो कलर है, जो भी आपको कलर पसंद आ रहा है वो कलर आप यहाँ पर दे देंगे। अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पर एक और शेप हम लोग लेंगे, सेंड टू बैकवर्ड करेंगे। और यहाँ पे जो ये ट्रांसपेरेंसी आती है इसको हम लोग थोड़ी सी कम कर देंगे, और अगेन इसको बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे तो लोगो आपका ऊपर आ जाएगा। और ये जो है ये आपका नीचे के साइड चला जाएगा। अब हम लोग कलर जो है कलर ले लेते हैं। तो ये देखिए मेरा लोगो आ चुका है, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ऐड कर दी, और यहाँ पे नीचे सबसे नीचे जो आ रहा है हमारा वो एक मैंने एक बार ऐड की है ब्लू कलर की। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला बॉक्स लेंगे, इसको थोड़ा सा ये सही करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट अब इसके अंदर ऐड करने वाले हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल ऐड करने के बाद में साइज को थोड़े छोटा कर देंगे हम लोग, और इस टाइप से जो है यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर दिया। कलर इसका वाइट कर देंगे हम लोग, तो देखिए कलर वाइट आ चुका है और ये कंपनी प्रोफाइल हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिया।
ये देखिए कंपनी प्रोफाइल के करके हम लोगों ने एक बार ऐड कर दिया है और यहाँ पे हम लोगों ने ये ऐड कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से हम लोग जो है फ़ोन नंबर ऐड करेंगे अपना। आपके पास जो भी फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने फ़ोन नंबर भी ऐड कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मेरा फ्रंट पेज जो है वो पूरी तरह रेडी हो चुका है। फ़ोन फैमिली हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जो भी हम लोगों को सही लग रही है वो फ़ोन फैमिली यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। तो ये फ़ोन फैमिली मैंने चेंज कर दी है, यहाँ पर भी मैं फ़ोन फैमिली जो है वो चेंज कर देता हूँ, ग्लेशियल कर देता हूँ। तो ये फ़ोन फैमिली भी आ चुकी है और हमारा जो लोगो है वो भी हम लोगों का पूरी तरीके से यहाँ पर विजिबल हो रहा है। अब इसको आप जूम जूम आउट वगैरह करके देख सकते हैं। तो ये हम लोगों का पूरा फ्रंट पेज जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम लोग सेकंड पेज ऐड करेंगे। सेकंड पेज में क्या ऐड करेंगे हम लोग, अबाउट अस। तो एलिमेंट्स पे आप जाएंगे, यहाँ पर जैसे ही नीचे आते हैं आप तो यहाँ पर आपको फ्रेम्स मिल जाते हैं कुछ, तो फ्रेम्स पर जाएंगे आप। अब फ्रेम्स में से आपको जो भी फ्रेम समझ में आ रहा है वो फ्रेम आप यहाँ पर ले लीजिए। तो ये फ्रेम मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा, तो मैं ये वाला फ्रेम ले लेता हूँ। सॉरी, ये फ्रेम लेने के बाद में यहाँ पर जो है इस टाइप से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अबाउट के लिए एक पिक्चर ऐड करेंगे। तो ये पिक्चर मैं यहाँ से ले लेता हूँ गूगल से, और ये सेव किया मैंने। अपलोड्स पे जाएंगे दोबारा, और अपलोड्स पे जाने के बाद में ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर। तो ये पिक्चर देखिए अपलोड हो गया है मेरा। इस पिक्चर को आप सेलेक्ट करके और यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो ये पिक्चर जो है वो आपकी यहाँ पे इस टाइप से विजिबल हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अबाउट अस का टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, ऐड ए हेडिंग करेंगे, हु वी आर, ठीक है। इसकी साइज थोड़ी कम कर देंगे, कलर कॉम्बिनेशन हेडिंग का जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए आप। फॉन्ट फैमिली हम लोगों ने ये वाली कर दी है। अब ये ऐड करने के बाद में यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो टेक्स्ट के लिए नॉर्मल सब हेडिंग नहीं लेंगे हम लोग, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। यहीं पे आपके पास एक जो लिटिल बिट पैराग्राफ आ रहा है वो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो ये मैंने ले लिया। अब अबाउटर्स का कंटेंट ले लेता हूँ मैं एक, अबाउट अस का मैंने कंटेंट ले लिया है यहाँ से, वेबसाइट से कॉपी कर लिया है मेरे, और यहाँ पर जो है आप अबाउट अस का कंटेंट यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके पास जस्टिफाई करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप जस्टिफाई कर दीजिए टेक्स्ट को, और ये इस टाइप से जो है मेरा टेक्स्ट ऐड हो चुका है। और कलर कॉम्बिनेशन आपको जो भी करना है ब्लैक वो कर दीजिए आप। तो ये हु वी आर का पेज ऐड हो चुका है हम लोगों का। एक बार हम लोग इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। शेयर पे जाएंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, और पीडीएफ के अंदर एक बार हम लोग डाउनलोड करके देख लेते हैं। ये मैंने डाउनलोड किया, 2 पेज हम लोगों के क्रिएट हो चुके हैं। तो ये देखिए ये मेरा फ्रंट पेज है जो लैंडिंग पेज है, सेकंड पेज मेरा ये आ चुका है हु वी आर का। इसके अंदर हम लोगों ने अबाउट अस का कंटेंट अपडेट कर दिया, ये सब कर दिया। अब हम लोग थर्ड पेज जो बनाएंगे वो बनाएंगे सर्विस का, तो इसी को आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट पर क्लिक करने के बाद में अब हम लोग करेंगे IT सर्विसेज। तो IT सर्विसेज की जो भी पिक्चर्स वगैरह होती है वो सब हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पर, सेव इमेजेस, और यहाँ पे इमेज को सेम उसी टाइप से अपलोड करेंगे।
और इस बॉक्स के अंदर जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है इमेज का जो पूरा फ्रेम है वो आपकी इमेज को कवर कर लेता है। इसी टाइप के और भी बहुत सारे फ्रेम हैं जो आप ले सकते हैं, या एलिमेंट्स में से जाके जिस भी डिज़ाइन का आपको फ्रेम वगैरह यूज करना हो। तो अब हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे सर्विसेज, ठीक है। अब सर्विसेज के अगर आप चाहें तो इमेज और नेम भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पूरा कंप्लीट डिटेल भी दे सकते हैं। तो अब मैं जो है एक इमेज और नेम देने वाला हूँ, तो यहाँ पे सोशल मीडिया प्रमोशन। तो इसके लिए भी आप बेस्ट चीज़ है अगर फ्रेम यूज करें तो सबसे बेस्ट है, या फिर इस पिक्चर को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक सर्विसेज का पेज बना दिया है। अब यहाँ पर जो है एक फ्रेम ले लेते हैं, ये वाला फ्रेम ले लेते हैं, पीसी वाला एक, और टेक्स्ट के लिए कॉपी कर लीजिए आप टेक्स्ट, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इसको। अब इस सर्विस का जो कंटेंट है वो सर्विस का कंटेंट आप पेस्ट कर दीजिए। अब इसका टाइटल जो था सोशल मीडिया प्रमोशन, वो टाइटल आप ऐड कर दीजिए। इसको कॉपी कीजिए टाइटल को, अगेन पेस्ट कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे जो है आप इस टाइटल को ड्रॉप कर दीजिए। और अब जो आपको टाइटल डालना है सोशल मीडिया प्रमोशन, इसका फॉन्ट साइज आप कम कर दीजिए अपने हिसाब से, जितना आपको ठीक लगता है। और यहाँ से आप जो है इनका टेक्स्ट जो होती है उसकी लाइन स्पेसिंग वगैरह कम कर सकते हैं यहाँ से। तो ये मैंने सोशल मीडिया प्रमोशन ऐड कर दिया है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक सोशल मीडिया प्रमोशन की इमेज लेंगे, ये इमेज मैंने ले ली है, सेव इमेजेज, और उसके बाद में आपको सेम वहीं पे अपलोड पे जाके अपलोड पे क्लिक करना है। और इस पीसी के अंदर आपको ऐड कर देना है। तो ये देखिए, ये सोशल मीडिया प्रमोशन का आ गया। पेज का बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं कभी भी इस टाइप से, जैसा आप चाहें। और अगर आपको नॉर्मली वाइट रखना है तो वो भी रख सकते हैं, और ग्रे रखना है तो वो भी कर सकते हैं आप। इसका जस्टिफाई मैं कर दे रहा हूँ टेक्स्ट को, तो ये टेक्स्ट जस्टिफाई हो चुका है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी की कॉपी करेंगे, या फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो और भी साइज बड़ी भी आप कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो अब मैं इसकी कॉपी करूंगा यहाँ पर। तो आपको एलिमेंट को सेलेक्ट कर, कंटेंट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद में शिफ्ट के साथ दबाए रखना है और तीनों कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको कॉपी करना है और अगेन इसको पेस्ट करना है, तो उसका डुप्लीकेट जो है आपके सामने एक रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा ये सामने यहाँ पर पूरा जो है रेडी हो चुका है। तो ये सोशल मीडिया प्रमोशन आ गया, सेकेंड मेरी सर्विस आ गई। तो इसी टाइप से आप जो है अब अपनी नेक्स्ट सर्विसेज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सेम यही कंटेंट आपको एडिट करना है, नई इमेज आपको ऐड करनी है, जैसे मान लीजिए डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट हम लोगों ने ले लिया है। कंटेंट में आप कंटेंट ऐड कर दीजिए यहाँ पर। तो ये मेरा देखिए ये दूसरा भी आ चुका है, इसमें आप इमेज जो है वेब डिज़ाइन की डाल दीजिए। आपकी जो सर्विस है आप सेम वही इमेजेस लेते रहेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर डिज़ाइन होता रहेगा। इमेज हम लोगों ने अपलोड की और ये इमेज हम लोगों ने इस पीसी के अंदर डाल दी। तो ये देखिए तीसरा मेरा जो है वो आ चुका है टैब। अब आपको शिफ्ट के साथ दबाए रखना है इनको सबको, और अगेन कॉपी पे क्लिक करना है और पेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो नेक्स्ट आपका और भी कंटेंट वगैरह यहाँ पर ऐड हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट वगैरह नहीं ऐड करना चाहते, मतलब डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं करना चाहते, तो डिस्क्रिप्शन डिलीट कर दीजिए, टाइटल्स रखिए ओनली। इस टाइप से आप जो है टाइटल्स भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर दीजिए। तो इस टाइप से आप जो है और भी सर्विसेज के टाइटल वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसी टाइप से आपको बस कॉपी पेस्ट करना है और आपके जो है यहाँ पर रेडी होते जाएंगे।
इनकी इमेज साइज़ वगैरह आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जो भी आप चाहें वो सब आप कर सकते हैं यहाँ पे। इस टाइप से आप जो है पूरा इसको सेटअप कर सकते हैं अपने हिसाब से जो साइज आपको समझ में आ रही हो। ये देखिए इस टाइप से सर्विसेज की पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसी टाइप से आप जो है कॉन्टैक्ट फॉरम वगैरह भी बना सकते हैं, जो सॉरी कॉन्टैक्ट पेज भी बना सकते हैं। कस्टमर केयर की पिक्चर ऐड कर लीजिए, सेव कीजिए, अपलोड्स में जाइए, अगेन इस पर इस टाइप से आप जो है कस्टमर केयर की पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं और अपने फ़ोन नंबर डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आप पूरी फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे मान लीजिए PNG इमेज यूज करनी है आप तो PNG इमेज भी यूज कर सकते हैं। कस्टमर केयर PNG जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पर तो ये PNG इमेज आ गई। अब इसको PNG इमेज को आपको डाउनलोड करना है, ये पूरी ट्रांसपेरेंट होगी। तो इसको मैं PNG में इसको डाउनलोड कर ले रहा हूँ। ये इमेज मैंने सेव कर ली। अब यहाँ पे जो है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे और ये इस टाइप से जो है PNG इमेज आप अपलोड कर सकते हैं जो आपके है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लुक दे देती है। कॉन्टैक्ट वगैरह के लिए आप आइकन्स के लिए आप आइकन एट वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर मान लीजिए फ़ोन फ़ोन का आइकन चाहिए आपको तो फ़ोन सर्च करना आपको। इस वेबसाइट से यूज करने का बेनिफिट आपको ये है कि आपको कैनवा वाले यूज करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके अंदर आपको प्रीमियम जो है वो लेना पड़ता है। इसमें जो डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे किसी भी आइकन के ऊपर तो 100x100 का आप जो है आइकन वो सेव कर लीजिए। कस्टम पे जाइए, 100x100 सेव कीजिए और डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और PNG के अंदर इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो इसके बाद में आप जैसे ही अपलोड करेंगे यहाँ पर आइकन को तो ये इस टाइप से आइकन जो है आपका विजिबल होगा। और अगर आप पेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये मैंने टेलीफोनिक एक आइकन दे दिया है यहाँ पर। टेक्स्ट पे जाएंगे, फ़ोन का आइकन यहाँ से मैंने ये टेक्स्ट कॉपी कर लिया। कैनवा काफ़ी ज़्यादा ईजी है, जिसके ऊपर आप इजीली जो है कोई भी कंपनी प्रोफाइल, ब्रोशर, यूट्यूब थंबनेल जो भी आप चाहें वो सब आप यहाँ पर बना सकते हैं इजीली। मान लीजिए अब इसी टाइप से ईमेल का आइकन लेना है मुझे तो सेम मैं उसी वेबसाइट पे जाऊंगा और यहाँ पर हम लोग जो है ईमेल सर्च करेंगे। ये ईमेल का आइकन ले लिया मैंने, डाउनलोड पे क्लिक किया, अगेन 100x100 का आइकन लेंगे हम लोग। थोड़ा सा आई थिंक नेट स्लो है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। प्राइवेट विंडो में मैं ओपन कर ले रहा हूँ एक बार, कई बार वेबसाइट्स डिवाइस का भी इश्यू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये इस पर क्लिक किया डाउनलोड। हाँ देखिए डिवाइस ब्राउज़र का इशू था, डाउनलोड पर क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप पे मैं ईमेल का आइकन यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड आइकन्स पे जाएंगे, अपलोड मीडिया, डेस्कटॉप और ईमेल का आइकन था मेरा, आइकन का नाम मैंने सेव किया था आइकन एट, ओके आइकन एट। तो ये ईमेल का आइकन मैंने अब यहाँ पर ऐड कर दिया, अपलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे ईमेल भी मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग जो है अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, और सेम तरीके से फ़ोन, ईमेल, मैप वगैरह वो सब चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जैसे शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे PDF जो स्टैंडर्ड आ रहा है उस पर सेलेक्ट करिए और डाउनलोड पे क्लिक कीजिए।
तो आपका जो जितने भी पेजेस का कंपनी प्रोफाइल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीटली रेडी हो जाता है। इसी टाइप से आप आवर टीम वगैरह और भी काफ़ी जितने भी पेजेस वगैरह होते हैं वो सब आप इजीली बना सकते हैं। ये मेरा बताने का इसीलिए रीज़न था कि आप इजीली जो है कोई भी एलिमेंट्स वगैरह यूज करके अपने लिए पूरा कंपनी प्रोफाइल वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।